ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई पर जो एक्शन हो रहा है उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएफआई ने दरअसल एक खुफिया विंग बना रखी थी और बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर ये विंग नजर रखती थी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि पुलिस और खुफिया ब्रांच के अधिकारी की भी जानकारी इस विंग के पास थी। लगातार एनआईए को शुरुआत में ही इस तरह के इनपुट्स भी मिले थे, आपको बता दें, इसलिए एनआईए को भी ये जिम्मा दिया गया। और ये जो छापेमारी हुई थी, यानी हफ्ते में ये दूसरी रेड है, और पिछली रेड में इन तमाम पहलुओं को लेकर एनआईए ने जांच की थी और इसलिए जांच का दायरा बढ़ता गया। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, बाकायदा पीएफआई ने एक विंग बनाया हुआ था। ये जो विंग थी, पुलिस अधिकारी खुफिया एजेंसियों की जो जांच है, जो उनके बड़े अधिकारियों के नाम है, उनके पास जो जिम्मेदारियां हैं या पीएफआई को लेकर उनके पास जो भी इनपुट आता है, ये विंग दरअसल इस पर नजर रखती थी। और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अब बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर उनका पूरी डिटेल, उनका पूरा डेटा इस विंग के पास था। फिलहाल ये बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं। अब इसमें और खुलासे होने की भी उम्मीद है। इससे पहले हमने आपको बताया कि ये जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि काशी मथुरा को लेकर भी एसडीपीआई की तरफ से एक बड़ी साजिश की जा रही थी। और अब ये एक और बड़ी अपडेट है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं, उन्हें लेकर पहले भी इस तरह की खबर आई थी कि पीएफआई की तरफ से उन्हें भी टारगेट किया जाता रहा है। अब एक जानकारी ये आई है कि बाकायदा एक विंग बनाई हुई थी, इसको कुछ लोग चलाते थे और इस विंग में बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर नजर रखी जाती थी और इसी के साथ पुलिस और खुफिया ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी ये विंग जुटाया करता था और जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी निगरानी में ये विंग काम कर रही थी। और इसमें कई ऐसे सदस्य मौजूद थे जो बहुत एक्टिव रहे हैं और साथ ही इसमें कई सीनियर लीडर पीएफआई के हिस्सा थे इस विंग का। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में ये पता चला है कि पीएफआई ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर निगरानी के लिए एक खुफिया विंग बना रखी थी। ये विंग पीएफआई के सीनियर नेताओं को रिपोर्ट करती थी और जिले या राज्य में तैनात पीएफआई के जो दूसरे नेता है वो इस विंग की जानकारी उन्हें नहीं थी। बाकायदा हर जिले में थी ये खुफिया विंग और हर जिले में कम से कम दो लोग इस खुफिया विंग में तैनात होते थे। पीएफआई की इस खुफिया विंग का काम था बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेताओं और कार्यक्रमों की जानकारी जुटाना। इसके अलावा ये जो विंग है, जिले में तैनात खुफिया एजेंसी और पुलिस की खुफिया एजेंसी के लोगों की जानकारी भी रखती थी और निगरानी करती थी ताकि पीएफआई के लोग पकड़े ना जा सके। ये विंग अपने नेताओं की जानकारी भी सीनियर नेताओं तक पहुंचाती रहती थी। तो आप सोचिए कि हर राज्य में ये विंग थी लेकिन उस राज्य के जो लोकल सदस्य थे उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है, किस तरह से ये विंग काम कर रही थी? पयोधी, ये चौंकाने वाली खबर है क्योंकि अब तक एजेंसीज को और खुफिया एजेंसीज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीएफआई ने अपने नेटवर्क को इस सिस्टमैटिक ढंग से बना रखा है कि बाकायदा उन्होंने अपनी एक इंटेलिजेंस विंग इसके लिए तैयार कर रखी है। इस इंटेलिजेंस विंग का काम सीधे तौर पर यह होता था कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए जो नेताओं हैं उनके बारे में हर तरह की जानकारी जुटाना, कि वो कहाँ रहते हैं, कब वो निकलते हैं, किस कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, ये सारी जानकारी वो जुटाया करते थे। और ना सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की बल्कि इसके अलावा जो लोकल पुलिस इंटेलिजेंस होता है, यानी कि जो हर एक राज्य के अंदर जो अपनी पुलिस विंग होती है, जिसका अपना नेटवर्क होता है, जो कि इंटेलिजेंस लेकर के काम करते हैं, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस विंग है उन सब के बारे में भी ये जानकारी रखा करते थे। आप ये सोचिए कि अगर इंटेलिजेंस विंग के जो लोग होते हैं वो सादे कपड़ों के अंदर रह करके आम लोगों से मिल करके वो खुफिया जानकारी जुटाते हैं, लेकिन सोचिए अगर उन्हीं के बारे में जानकारी अगर किसी को हो तो वो अपनी जो जानकारी है वो नहीं जुटा सकते। और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है पीएफआई को लेकर। इसे ऐसे माने जितेंद्र कि शायद इसी कारण से और समय लग गया कि जो असल सबूत है उसमें जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाई क्योंकि पहले से ही इनकी विंग काम कर रही थी।
बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि इस विंग के पास खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो लोकल पुलिस हो चाहे वो इंटेलिजेंस विंग हो, उनके बारे में जानकारी रहती थी। और इन इन जो पीएफआई की जो खुफिया विंग है, इसके बारे में पीएफआई के जो लोकल लीडर्स हैं, यानी कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो लीडर्स हैं, उनको भी जानकारी नहीं होती थी। ये जो विंग थी, ये सीधे तौर पर जो केरल के अंदर जो सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, जो पीएफआई के फाउंडर मेंबर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, या जो दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको सीधे रिपोर्ट करती थी और पूरी जानकारी दिया करती थी, और उसी के हिसाब से पीएफआई अपनी प्लानिंग बनाती थी। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये खुफिया एजेंसीज बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की कड़ी निगरानी करने के लिए पीएफआई ने ये इंटेलिजेंस विंग बनाई हुई थी। और यही वजह है कि ज्यादातर जब भी एजेंसी इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करती थी तो उस तरह के सबूत नहीं मिल पाते थे जिस तरह के इन एजेंसियों को चाहिए थे। और आज की जो कार्रवाई हो रही है, जो आज एजेंसीज कार्रवाई कर रही है, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी जानकारी इन सीनियर नेताओं ने एजेंसीज को दी है, जो कि पीएफआई की इंटेलिजेंस विंग से जुड़े हुए थे या उसके साथ जो ऐसे लोग थे जिनके बारे में पुलिस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज ही जी न्यूज ने एक खबर भी दर्शकों को दी, जो सूत्रों ने बताया कि मथुरा काशी को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, और साथ ही आरएसएस और बीजेपी के नेता तो हमेशा टारगेट पर रहे हैं, लेकिन अब जितेंद्र ये एक सबूत के तौर पर होगा एजेंसियों के पास, जिसको लेकर जांच का दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा खुलासा है कि जिसके बारे में एजेंसीज को जानकारी नहीं है, ऐसी कोई इंटेलिजेंस विंग पीएफआई ने अपनी बना रखी है जो कि उनके बारे में जानकारी रख रहा है, जो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बारे में जानकारी रख रहा है, इसके अलावा कहां कहां पे क्या क्या टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटा करके अपने सीनियर लीडर्स तक पहुंचा रहा है और उसके हिसाब से ये प्लानिंग बना रहे हैं। ये जो हम जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं कि मथुरा काशी में हमले की तैयारी हो रही थी, या फिर अगर हम कहें कि दशहरे के दौरान आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये सब जानकारियां जो खुफिया विंग बनाई हुई थी पीएफआई ने, उनके तरफ से जुटाई जा रही थी और सीनियर नेताओं को दी जा रही थी, और वहां से फिर जो इन्होंने अपना जो कैडर बना रखा है, जिसमें से रेडिकलाइज लोग जो इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, जो हिंसक और कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्शन मोड ऑन हुआ है जितेंद्र, अब ये रुकने वाला नहीं है। किसी भी तरह की कोई चूक ना तो एजेंसियों की तरफ से होगी ना ही पुलिस की तरफ से, क्योंकि जिस बात को कहा जा रहा था कि अब वो वक्त आ गया है जब इस पर बैन लगाना होगा, और इसी की तैयारी सरकार कर रही है। आपसे और जानकारी जितेंद्र लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी डिटेल के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।